वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। आज मैं आपको रेनुकुलस के बारे में बताऊंगा। ये रेनुकुलस में बहुत अच्छा फ्लावर आता है। ये बिल्कुल एज ए रोज की तरह आता है और काफ़ी दिन तक रहता है। इसमें बडिंग भी बहुत अच्छे, बहुत सारी कलियाँ आती हैं, तो ये सर्दियों में लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। अब मैं आज आपको बताऊँगा कि आप इसको इससे कैसे मल्टीपल में बना सकते हैं। जैसे कुछ पेड़ों की जड़ें आपस में बढ़ती अलग होती हैं, फिर उनसे नई बडिंग निकलती है। तो देखिए, उससे मैंने ये नया प्लांट, इस येल्लो वाले से नया प्लांट बनाया है, बढ़ने भी लगा है। लेकिन इसमें बीज होता है इसमें ऊपर, तो इस बीज से भी बनाया जा सकता है। लोगों ने इंटरनेट पर मैंने सर्च किया है कि इस बीज से भी नया प्लांट बनता है, लेकिन इसका बल्ब होता है मेनली, उससे भी प्लांट बनता है। तो बल्ब जब होगा तब मैं आपको फिर से वीडियो बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं जब बीज है अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊंगा। इसकी मार्केट में कम से कम 10 से 15 वैराइटीज़ हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। लगभग अगर सिंगल प्लांट है तो 50-80 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको ये। आप इसको लगा सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग जो होगी वो फरवरी तक होगी। मीन्स इसकी फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर लास्ट से ही। और लेकिन अभी ये फ्लावरिंग करता ही रहेगा, क्योंकि ये देखिए इसमें फिर से नई बड आ रही है, देखिए फिर से नई बड आ रही है, तो इसलिए अभी फ्लावरिंग करता ही रहेगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।